हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम माय बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, दैट इज येलो बुक. ओके, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, देन लुक एट द सॉल्यूशन. फाइन, ओके, लेट मी कंटिन्यू. आपको दिया गया है पीएक्स, एक पॉलिनोमियल 5 डिग्री का, जिसके सारे कोफिशियंट्स इंटीजर है, एंड अल्फा विच इज अ इंटीजर इज अ रूट ऑफ पीएक्स. ओके, एंड ऑल्सो गिवन द इंफॉर्मेशन P2 13, P10 5. अब मैं पहले अपना लाइन ऑफ थिंकिंग बताता हूं. मेरा यूजुअली प्रेफरेंस जो है ना, इक्वल टू जीरो के लिए होता है कि सर P2 13 के बजाय P2 13 0. अब अगर P2 13 0 पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली से कि सर इसको ऐसे पढ़िए, PX-13 विल बी ए पॉलिनोमियल. और इजिली तुम कहोगे कि सर 2 इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन, है ना. और पॉलिनोमियल में यू अंडरस्टैंड कि सर रूट का क्या मतलब होता है, फैक्टर. X-2 इज द फैक्टर सम Q1X. तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर Q1X ऑल्सो इज द पॉलिनोमियल. अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल है उसके सारे कोएफिशिएंट इंटीजर है. ये X-2, इसके भी कोएफिशिएंट इंटीजर है. तो डोंट यू बिलीव कि सर इनटू जो Q1 आप करोगे, दैट आल्सो गोइंग टू गेट ऑल कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स. बिल्कुल कॉमन सेंस से दिखेगा तुमको कि हाँ सर, अगर इसको मल्टीप्लाई करके खोलोगे तो आपके सारे इंटीजर Q1 के भी इंटीजर होने पड़ेंगे. फाइन. नाउ सिमिलरली, अब तो तुम समझ गए मेरी बात को कि सर P10 5, आप तो इक्वल टू जीरो से सोचते हो, तो आप पक्का बोलोगे PX-5 has root 10. तो X-10 is a factor. Q2X is the polynomial. Now you again understand कि सर Q1, Q2 both have all coefficients integers. अब मानते हो कि सर ये तो identity है. Equation 1, this is an identity. Equation 2 is an identity. So I can do anything. So I go to first equation and put alpha. मैंने x को alpha put कर दिया. तो if I do that, मानते हो सर आपने alpha को root of px बोला है, तो p alpha तो 0 हो गया. तो I get -13. अब क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि सर अल्फा -2 इज एन इंटीजर. Q1 जिसके सारे कोफिशियंट इंटीजर है, पॉलिनोमियल में इंटीजर अल्फा पुट करोगे तो ये एक इंटीजर ही तो आएगा. तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट -13. तो अब तुम लोग समझ गए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव प्रोसेस है कि सर ये बहुत क्वेश्चंस में हमने इस आइडिया को लगाया हुआ है कि यार ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट -13 बना के दिखाओ. तो बहुत कम केसेस हैं, 13-1, है ना, -13 1. फाइन, और भी केसेस तुम सोचो, ठीक है. तो अल्फा -2 की पॉसिबल वैल्यूज जो मैं सोच पा रहा हूं, -13 13 -1 1, आई थिंक इसके अलावा मुझे और कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही. तो अल्फा की वैल्यूज -11 15 1 and 3. सही. अब तो तुम समझ गए कि सर सिमिलरली गो फॉर दिस, पुट एक्स अल्फा. इसी स्टेप में लिख देता हूं -5, बिकॉज पी अल्फा तो 0 हो गया. नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर फिर वही बात, दो इंटीजर का प्रोडक्ट -5. तो आई कैन कमेंट कि अल्फा -10 की पॉसिबल वैल्यूज 5 -5 1 -1. आई डोंट फाइंड एनी अदर वैल्यूज अल्फा -10 कैन टेक. ओके, नाउ फ्रॉम हियर अल्फा कम्स आउट 15 5 11 9.
एग्री करते हो कि सर मुझको तो दोनों बातें ट्रू करानी है ना, मुझे ये भी ट्रू कराना था, मुझे ये भी ट्रू कराना था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, वैल्यू कॉमन टू देम इज माय आंसर। तो यू कैन इजिली सी कि सर विच इज द कॉमन आंसर, ठीक है। तो अल्फा फाइनली कम्स 15, तो आपसे तो अल्फा बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं कि सर आंसर इज 7। ओके चलो, तो तुम लोगों को मालूम ही है कि 2025 एस्पिरेंट्स है ना के लिए देर इज अ कोर्स है ना दैट विल कंटिन्यू टिल जेई एडवांस्ड। एंड तो जो भी बच्चे 12th क्लास, जो 11 से 12th में जा रहे हैं, दे कैन नॉट एफोर्ड टू मिस दैट कोर्स इफ जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन एडवांस्ड एंड वेरी गुड परसेंटाइल इन मेंस 2025। ओके चलो बाय, जय हिंद।